जहाँ तक मेरी आवाज छुटती स्वामी माताओं बहनों को सबसे पहले चौटाला साहब की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मैं आपके बीच में आज कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया, मैं तो आज आपके बीच में केवल मात्र आप लोग मुझसे मिलने आया हूँ, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आया हूँ, अपने भाइयों से मिलने आया हूँ। क्योंकि आपके साथ जो रिश्ता है वो हमारा कोई आज का नहीं, चार पीढ़ियों का रिश्ता है, जन नायक चौधरी देवीलाल जी के समय से वो रिश्ता है। उस रिश्ते को और मजबूत करने, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने उस कड़ी में आपके बीच में आया हूँ। क्योंकि चौटाला साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई जितना लोगों में जाकर के मिलोगे उतनी जान पहचान बढ़ेगी और ये रिश्ता उतना ही मजबूत हो पाएगा। तो मैं तो आज उसी कड़ी में आपके साथ यहाँ पे मुलाकात करने आया। और जिस प्रकार टिंकू यहाँ पे काफी समय से मेहनत करके युवाओं को इसमें एकत्रित करके और इसी में से बात करी थी कि भाई साहब थोड़ी देर का समय देना, मगर थोड़ी देर नहीं पूरा खुला समय दूंगा, सबसे मिलके जाऊंगा, जितना फोटो करानी है उसके साथ आराम से फोटो करा करके जाऊंगा। क्योंकि मैं एक बात में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, माइक पर आके बोलते चला जाऊँ और आपसे मुलाकात ना कर पाऊँ, जब तक आपसे जानकारी ना दे पाऊँ जब तक खेत को भी लाभ नहीं होगा। और हमारा तो आपके साथ एक रिश्ता है कि जब कभी भी कोई दिक्कत आई है हमने तो हमेशा आपके हक की लड़ाई लड़ी है और इसको हमेशा लड़ते रहेंगे। तो उसके लिए आपके और हमारे बीच में बातचीत करना जरूरी है, जानकारी बढ़ाना जरूरी है। तो मैं तो इसलिए आज आपके साथ आपको मिलने आया हूँ, आपका आशीर्वाद देने आया हूँ। बाकी और जितने भी युवा साथी फोटो कराना चाहते हैं आराम से करा करके जाऊँगा, मेरे कोई जल्दी नहीं है, खुला टाइम दे करके जाऊँगा। आप सबने जो प्रेम प्यार और आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और अब तो लगातार पार्टी की तरफ से जो यूथ की और युवा विंग की जिम्मेवारी लगाई गई है उसके तहत आपके पास लगातार आपके बीच में आता रहूंगा और आपके दुख सुख में विश्वास हासिल होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।